बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल, मेन कैंपस, पिशावर रोड। ग्रेड 3, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द बॉक्सेस विद स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। साइन ऑफ ग्रेटर देन मतलब बड़े का साइन क्या है, ये वाला, और साइन ऑफ स्मॉलर देन का साइन कौन सा है, ये वाला। अब इन दोनों को, इन दोनों के साइंस को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसमें साइन लगाने, ठीक है। से पार्ट ए देखो, 1/3 देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है और नोमिनेटर जो है ना वो चेंज है। 3/3 सेम है, अब ऊपर देखें 1/2 से क्या है, छोटा है ना, तो हम लोगों ने क्या स्मॉलर देन का साइन लगा देना है, ये वाला, ठीक है। अब बी पे जाओ, 4/5 और 1/5, 5/5 सेम है, तो जो 4 है वो 1 से क्या है, बड़ा होता है, तो ये ग्रेटर देन का साइन कौन सा है, ये वाला, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे यूज कर देना है। अब हम पार्ट सी पे जाते हैं, तो देखिए 7/9 है और 8/9 है, जो 7 है वो 8 से क्या है, छोटा है ना, तो वो हम लोग स्मॉलर देन का साइन यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग डी पे जाते हैं, डी भी एज इट इज ही होगा, देखें 3/4 है और 1/4 है, जो 3 है वो 1 से क्या है, बड़ा है, और हम लोगों ने ऊपर देखा है कि बड़े का साइन कौन सा है, ये वाला, हम लोगों ने ये यहाँ पे यूज कर देना है। इसी तरीके से हम लोगों ने पार्ट ई करना है, 9/10 एंड 8/10, तो जो 9 है वो 8 से क्या होता है, छोटा होता है ना, और 9 जो है वो 8 से बड़ा होता है, तो हम लोगों ने क्या ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। इसी तरीके से पार्ट एफ है हमारे पास, 3/7 एंड 5/7, जो 3 है वो 5 से क्या है, छोटा होता है, और स्मॉलर देन का साइन क्या है, ये। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये पढ़ा है कि हम लोगों ने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइंस यूज करने हैं, जिसमें से डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम थी और नोमिनेटर की चेंज थी, तो नोमिनेटर के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या साइन लगाने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 114 की तरफ, और इसकी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या करना है इसमें। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इन इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स कौन से होते हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं, छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाते हैं, उन्हें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसा कि हम लोग एबीसी जब पढ़ते हैं तो ए फर्स्ट पहले आता है, तो ए और डी क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और डी क्या होता है, बाद में आता है, मींस कि ए से डी की तरफ जाना होता है। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो ए है वो पहले आता है ए से, इस वजह से ए क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाना। पार्ट ए देखें, 3/8, 5/8, 2/8 एंड 1/8, जिसमें से नोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो सेम है और नोमिनेटर क्या है, चेंज है। अब इसके नोमिनेटर के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने बताना है कि कौन सी वैल्यू छोटी और कौन सी बड़ी है। असेंडिंग ऑर्डर्स कर रहे हैं तो हम देखें सबसे छोटी वैल्यू से इसमें कौन सी है, 1, क्योंकि 1 सबसे पहले आता है, तो 1/8, उसके बाद क्या है 2/8, उसके बाद क्या है 3/8 एंड लास्ट में 5/8। इसी तरीके से हम लोग पार्ट बी पे जाते हैं, 2/6, 4/6, 3/6 एंड 1/6, इसको हम लोग अरेंज करते हैं कि वो कैसे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6 और एंड पे 4/6। इसी तरीके से पार्ट सी करते हैं हम लोग, जिसमें 2/9,
5/9, 8/9 एंड 1/9। सबसे पहले क्या है 1/9, उसके बाद क्या है 2/9, उसके बाद 5/9 एंड लास्ट में 8/9। इस पेज में हम लोगों ने क्या किया बच्चों के, हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वैल्यूज को अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया है क्या होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाना, ठीक है। अब हम लोग पेज 114 पे जाते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, क्योंकि 1/114 क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 1/114 क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने पिछले पेज पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया कि जो डी होता है, डी तक जाते हैं, तो डी से अब हम लोगों ने ए की तरफ आना है, मींस के डी डिसेंडिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी, तो डी से ए की तरफ जाना मतलब के बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना। जैसे ए पार्ट देखें 4/1, 3/1, 10/1। डिनोमिनेटर क्या है इसमें, सेम है, और नोमिनेटर क्या है, चेंज है। तो क्या करना है, ऊपर से अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 10/1, उससे छोटी क्या है 4/1 एंड उससे छोटी क्या है 3/1, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू और फिर सबसे छोटी वैल्यू। बी पार्ट पे देखिए 6/2, 8/2 एंड 5/2। सबसे बड़ी वैल्यू इनमें क्या है 8 है, क्योंकि नीचे वाली जो सेम है ना ऊपर ही हम लोगों ने देखना है 8, 8/2 उससे छोटी क्या है 6, 6/2 एंड लास्ट में 5/2। इसी तरीके से पार्ट सी पे जाएंगे 3/4, 7/4 एंड 5/4। तो सबसे पहले क्या है बड़ी वैल्यू 7/4, फिर 5/4 एंड 3/4। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।